इतना बड़ा सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दोनों हमको डॉक्टर नलिन जी ने शेयर किया, फिर भी हम लोग को मन नहीं भरता है ये सब चीज सुन के। तो नया लोगों के लिए प्लान काफी है, कुछ लोगों के लिए न्यूट्रेट प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन काफी है, मगर उनका सक्सेस स्टोरी क्या है उसका बारे में हमको जानना अच्छा लगता है। तो क्योंकि एक सक्सेसफुल डॉक्टर, एक सर्जन ये अपॉर्चुनिटी को अपनाया, प्लस सिर्फ अपनाया ही उसको करके दिखाया, बहुत सक्सेसफुल। उन्होंने बताया अपने बात में पिछले 15 डेस्टिनेशन वर्ल्ड का वन रिचेस्ट प्लेसेस, मोस्ट वन ब्यूटीफुल प्लेसेस एमवे बिजनेस द्वारा उन्होंने विजिट करके आया, वो भी फ्री में। तो इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया उन्होंने अपने करियर में, तो उनसे हम सुनेंगे ये बिजनेस, उन्होंने उनका स्टोरी क्या है, ये बिजनेस करना सीक्रेट क्या है, ताकि हमको भी और भी डॉक्टर को भी जाके मिलने की हिम्मत आएगा, अब ये कर सकते हो कर सकता है। तो अगेन हम लोग इनवाइट करते हैं डॉक्टर नलिन जी को ऑन द डिजिटल स्क्रीन पे, एंड प्लीज शेयर योर एक स्टोरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर मिसेस वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए फ्रेंड्स, आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर इन डेस्टिनी। मुझे ऐसा लगता है आई वॉज डेस्टिंड टू दिस बिजनेस, और ये अभी और स्ट्रांगली फील हुआ जब पैंडेमिक में व्हेन माय प्रोफेशनल इनकम बिकेम जीरो, क्योंकि मुझे मेरा जो रेजिडेंस है और नर्सिंग होम है एक ही प्रेमाइसिस में है, तो आई हैड टू क्लोज डाउन माई नर्सिंग होम। और टिल अप्रैल 2022 आई डिड नॉट सी एनी पेशेंट। पेशेंट को मैं व्हाट्सएप पर उनको एडवाइस करता था, एंड आई नेवर फेल्ट लाइक चार्जिंग फीस एडवाइजिंग देम ऑन व्हाट्सएप। हालांकि देवर रेडी टू गिव मी, बट आई सेड नो, जब तक देख नहीं रहे तब तक फीस नहीं लगे। सो ये 2 साल से ज्यादा इनकम वॉज जीरो, लेकिन एज कंपेयर टू माई कलीग्स, थैंक्स टू दिस बिजनेस जो मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया, जो इनिशियली मुझे समझ में नहीं आया, उसने इस पूरे पीरियड में न केवल मेरे परिवार की देखभाल की, बल्कि जो मेरे नर्सिंग होम के एम्प्लॉयज हैं उनकी भी देखभाल की। बिकॉज आई डिड नॉट स्टॉप पेइंग सैलरीज टू देम, आई डिड नॉट आस्क देम नॉट टू कम, वो आते नहीं थे, बट एक दिन मैं बुला के उनको पैसे देता था, बिकॉज आई न्यू कि देयर है। तो इतना ये स्ट्रांग बिजनेस है, और अगर ये डेस्टिन्ड नहीं होता तो मुझे नहीं मिला होता। इफ माई फ्रेंड वुड नॉट हैव ऑफर्ड मी तो मैं नहीं करता, अगर वो सर्जन फ्रेंड के द्वारा नहीं हुआ था तो प्रोबेबली आई वुड नेवर हैव कंसिडर्ड डूइंग इट। सो और डेस्टिनी की बात करें तो थोड़ा सा पहले और जाते हैं, जब व्हेन आई वाज अबाउट 11-12 इयर्स ओल्ड बॉय, तो हमारे घर के सामने एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहते थे, ही वाज अबाउट 65 इयर्स एज उनकी होगी, और मैं अपने घर की बालकनी से उनके घर का लॉन देखता था। मैं तो सुबह सुबह रोज मुझे दिखाई पड़ता था कि उनके घर के लॉन में बढ़िया फर्नीचर है जिसके ऊपर वाइट कुशन है, वाइट लिनन है, और ये मैं आज से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय वो बढ़िया चाय के बर्तन उसके ऊपर वो ढका हुआ शान से बैठे रहते थे, फिर उनकी वाइफ आती थी बड़े स्टाइल से चाय निकालती थी, वो अखबार पढ़ते थे, चाय पीते थे, कुछ एक दो लोग आके उनसे मिलते थे। उसके बाद उनका बाहर उनकी कार खड़ी रहती थी, ड्राइवर बढ़िया वाले ड्रेस में, और वो बैठते थे, फिर कहीं चले जाते थे, फिर 2-2:30 बजे वापस आते थे, फिर शाम को एक बार फिर लॉन में सब लोग बैठते थे, और फिर सवेरे। तो कई दिन तक देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये जिंदगी तो बड़ी शानदार है। देन आई फाउंड आउट कि वो एक सर्जन है, और बाद में मेरे फादर को कुछ इमरजेंसी हुई तो उन्होंने ऑपरेट भी किया उनको, तो उनके लिए एक बड़ा रेस्पेक्ट भी हो गया, ग्रेटफुलनेस भी हो गया, एंड ही बिकेम माई आइडियल। और वो एक छोटे से दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे भी सर्जन बनना चाहिए, एंड विदाउट मच एफर्ट सर्जन बन भी गया। लेकिन सर्जन बनने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू किया तो एकदम उल्टा लाइफ था, जो उनका लाइफ था और हमारा लाइफ था कोई मैच ही नहीं था। मेरा दिन शुरू होता था शाम 6 बजे, रात खत्म होता था 12 बजे, आराम से बैठ के चाय पीने का तो छोड़ो, खाना भी नहीं खा सकते थे ठीक से। हफ्ते में 3-4 दिन माई मील वॉज इंटरप्टेड, उठ के जाना पड़ता था, बिकॉज ऊपर घर है नीचे नर्सिंग होम। सो आई थॉट कि कहाँ गलती हुई, वो बाद में फिर पता चला कि वो जो सर्जन थे ही हैड रिटायर्ड, रिटायर होने के बाद उनका लाइफ स्टाइल वैसा था,
एंड आई थॉट कि एक्टिव लाइफ में ऐसा है, पर अब देखिए आज का समय देखिए, आज मैं भी उसी तरह चाय पीता हूँ, उसी तरह लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं भी थोड़ा सा काम करता हूँ दिन में, दोपहर के बाद आई डोंट वर्क। सो आई वॉज डेस्टिन्ड टू गेट दिस बिजनेस जो मैंने ड्रीम देखा था बचपन में, तो एक ड्रीम देखा और एवरीथिंग फेल इन टू प्लेस और आज मैं उस तरह की लाइफ जी रहा हूँ जो मेरे उस छोटे से मस्तिष्क में बैठा था। सो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपका ड्रीम है, ये जो नेचर है, गॉड है, वो उसको पूरा करने का आपके लिए इंतजाम करता है। ही गिव्स यू सिग्नल्स, ही गिव्स यू इंडिकेशंस, आपको जरूरत होती है उसको पहचानने की और उसके ऊपर काम करने की। पर कई बार हम क्या करते हैं, दुनिया में चारों तरफ इधर उधर देख रहे होते हैं, अपने दिमाग से बहुत सोच रहे होते हैं, इसलिए वो जो सिग्नल्स मिलते हैं उनको हम पहचान नहीं पाते और हमको शायद पता ही नहीं चलता कि वो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी क्या हमने खो दिया। जैसे अगर मैंने इस बिजनेस को नहीं किया होता तो आई वुड प्रोबेबली हैव नॉट नेवर नोन की लाइफ एक सर्जन की लाइफ वैसे भी हो सकती है। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि ये बिजनेस मुझे मिला, आई एम ग्रेटफुल टू दैट फ्रेंड जिन्होंने ये बिजनेस मुझे ऑफर किया। और दोस्तों मेरा बिजनेस शुरू होने की कहानी भी थोड़ी सी पिक्यूलियर है, बिकॉज बिजनेस तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, आई ज्वाइन इन August 2000, बट हमने कभी सोचा नहीं था कि इसके ऊपर काम करेंगे। और ऐसे ही टाइम निकलता गया, प्रोडक्ट्स वहां से भेजते थे, कैसेट्स बुक्स भेजा करते थे, एक साल का टाइम ऐसे निकल गया था। तो एक दिन एक फ्रेंड हमारे पास आए और उस समय आप लोग को याद होगा एक किट हुआ करती थी, उस किट के अंदर प्रोडक्ट्स होते थे, प्रोडक्ट्स हमारी वाइफ को अच्छे लगे, शी स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट्स, हम उनको बार बार ऑर्डर करने लगे, बट आई डिड नॉट थिंक कि मैं कभी बिजनेस करूंगा। वो जो फ्रेंड आए उन्होंने हमारे घर में वो किट देखी एंड ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत रेस्पेक्ट हमारी करते हैं, भाई साहब बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बड़ा गड़बड़ कर लिया, ये क्या किया आपने, क्या ये काम करना आपने शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब आप इस काम को तो कर ही नहीं पाएंगे, आपकी डॉक्टरी भी बेकार हो जाएगी, फिर आप सोचिए आप क्या करिए। तो आई वॉज वेरी कूल क्योंकि मैं किताबें पढ़ रहा था, रॉबर्ट टी कियोसाकी को मैं पढ़ चुका था, ये सब बोलने के बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ मेरे अंदर। आई जस्ट आस्क्ड हिम टू सिट डाउन, हमने कहा बैठो, एंड आई स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस, मैंने पूछा कि ये जो तुम कह रहे हो ऐसा क्यों कह रहे हो। भाई मैं अपनी प्रैक्टिस भी करूंगा, जो टाइम मिलेगा उसमें लोगों को बताऊंगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या मेरी डॉक्टरी क्यों बेकार हो जाएगी। तो जब उनके क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया, वो आंसर इस ढंग से हुआ कि ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड और उन्होंने कहा कि ये तो बिजनेस बड़ा अच्छा है और अगर आप इसको करना शुरू कर रहे हैं तो मुझे पहला पार्टनर बनाइए। मैंने कहा ओके यू आर वेलकम। तो वो गए, उस समय 7,200 रुपये में हम लोग ज्वाइनिंग कराते थे, वो गए कि मैं घर से पैसा लेके आता हूँ अभी तुरंत आपको देता हूँ। मैंने कहा ओके। तो जब पैसा लेके आए तो अपने साथ दो लोगों का और ले आए कि तीन लोग मेरे साथ, दो लोग को और ज्वाइन कराइए। उसके कुछ दिनों के बाद हमारे जो फ्रेंड जो हमारे स्पॉन्सर सर्जन थे वो ही केम टू इलाहाबाद एंड ही सेड कि अपने दोस्तों को बुलाते हैं जो इलाहाबाद में हैं और उनको बताते हैं बिजनेस। आई सेड ओके। तो जितने भी इलाहाबाद में हमारे बैचमेट्स थे सबको मैंने इन्वाइट किया और जब भी हम लोग इन्वाइट करते हैं एक दूसरे को तो हम केवल एक चीज सोचते हैं कि बढ़िया डिनर होगा और कुछ खाने पीने का होगा और वी विल एंजॉय, गपशप करेंगे। और तो जब वो लोग आए तो देखा वहां पर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो व्हाइट बोर्ड देखकर बहुत लोग चौंके बट स्टिल दे केप्ट ऑन वेटिंग। फिर जब वो हमारा फ्रेंड जो स्पॉन्सर थे वो खड़े हुए एक मार्कर लेके एंड स्टार्टेड टेलिंग समथिंग, तो मुझे याद है करीब 20 लोग थे, 20 में से 17 लोग उठ के खड़े हो गए, दे वर वेरी एंग्री कि तुमने हमको इसलिए बुलाया है एंड दे लेफ्ट, चले गए। और जब वो जा रहे थे तो मैं उठ के खड़ा हुआ उनको रोकने के लिए, लेकिन हमारे स्पॉन्सर ने इशारा किया कि बैठे रहो। अब आप सोचिए इतने अच्छे हमारे फ्रेंड जिनके साथ रोज उठना बैठना है वो हमारे घर आए, उठ के चले जा रहे थे और वो हमारे स्पॉन्सर ने एक इशारा किया एंड आई सेट डाउन। मैंने कहा चलो ये कह रहे हैं तो बैठ जाते। तो वो लोग चले गए, माई स्पॉन्सर कंप्लीटेड द प्लान। जो तीन लोग बैठे थे उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, इसको किया जा सकता है। तो तीन यहां से मिले, तीन वहां से मिले, घर से मैं बाहर भी नहीं निकला था, मेरा बिजनेस शुरू हो गया। आई सेड ये तो बहुत बढ़िया है। फिर वो जो पहले दिन हमारे फ्रेंड आए थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, आज वो फाउंडर प्लैटिनम है, उनके नीचे भी एक फाउंडर प्लैटिनम है, उन्होंने बड़ी तेजी से काम करना शुरू किया और जो हमारे स्पॉन्सर थे और हमारे अप्लाइंस थे वो देहरादून से उनके बारे में पूछते थे
कि भाई उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है। तो आई सेड क्या, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हुआ, जिसको मैंने स्पॉन्सर किया वो तेजी से निकला जा रहा है, मैं पीछे छूटा जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे भी ज्यादा काम करना शुरू किया और मैंने और लोगों को स्पॉन्सर किया। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को स्पॉन्सर किया, उनमें से एक अभी फ्रेंड को जो स्पॉन्सर किया था, बाद में उनके बेटे ने टेक ओवर किया, वो आज एमरल्ड है। उनके नीचे एक फाउंडर प्लेटिनम है, दो प्लेटिनम है, जो हमारे फ्रेंड फाउंडर प्लेटिनम है थे उनके नीचे फाउंडर प्लेटिनम है। एक तीसरे हमने डॉक्टर फ्रेंड को स्पॉन्सर किया, वो खुद फाउंडर प्लेटिनम है, उनके नीचे प्लेटिनम है, कई सिल्वर और गोल्ड। सो स्टोरी यह है कि आई डिड नॉट मेक मच एफर्ट टू डू दिस बिजनेस, और थोड़ा इसकी शुरुआत अपने आप हो गई। लेकिन बाद में जब हमारे जो फ्रेंड थे उन्होंने खूब काम करना शुरू किया, तो देन आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। और जैसे मैंने आपको बताया, 6 बजे मेरा रूटीन शुरू होता था, रात में खत्म होता था। तो अक्सर मुझे याद है कि मैं अपने अपॉइंटमेंट सुबह 6 बजे लिया करता था, रात में 12 बजे अपॉइंटमेंट लिया करता था। कई ज्वाइनिंग्स हमारी टीम में ऐसी हैं जिन्होंने 12 बजे रात में प्लान देखा और 1:30-2 बजे रात फाइनल हुआ कि ज्वाइन करना है। दो सर्जरी के बीच में आधे घंटे का टाइम होता था, मैं उसमें बिना किसी को बताए, वो जो हमारे ओटी की सिस्टर होती थी उसको बताते थे थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं चले जाया करता था प्लान दिखाने के लिए। तो 2-3 साल तक बहुत कस के काम किया, बहुत जम के काम किया, और उस काम का नतीजा यह हुआ कि मैं फिर 2001 से काम करना शुरू किया। 2003 जून में मैं सिल्वर हुआ, नवंबर में वो कैलेंडर ईयर वाला प्लेटिनम हुआ, 2005 में मैंने वो फिस्कल ईयर वाला प्लेटिनम क्वालिफाई किया, एंड 2008 में फिर मैं एमरल्ड हुआ। एमरल्ड होने के बाद इतना रिकॉग्निशन मिला, इतना मिला, थोड़ा काम ढीला हो गया, और एमरल्ड होने के बाद फिर मैं सफायर हुआ। एमवे ऑफिस से फोन आया कि डॉक्टर साहब आपका सफायर पिन आया हुआ है, सफायर सर्टिफिकेट आया है। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ भाई, मैं तो एमरल्ड हूँ। उन्होंने कहा बट लास्ट ईयर आप सफायर थे। तो मैं गया वहां से, अपना पिन कलेक्ट किया, सर्टिफिकेट कलेक्ट किया, उसको कहा देखो किसी को बताना मत कि मैं एमरल्ड से सफायर हुआ हूँ। बट देन इट कंटिन्यूड, फिर फाउंडर सफायर हुए, फिर 2012 में देन अगेन आई रिक्वालिफाइड एज एमरल्ड। 2019 में फिर फाउंडर एमरल्ड हुआ, और फाउंडर एमरल्ड ठीक से हुआ इसलिए उसको अभी तक आई एम रिक्वालिफाइड। यहाँ पर मैसेज ये है जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके लिए कि एक पिन को क्वालिफाई करना आसान है, रिक्वालिफाई करना शायद मुश्किल है। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इस तरह से तैयारी करो कि आप उसको फर्स्ट ईयर में रिक्वालिफाई करो, और इसीलिए एमवे जो है फर्स्ट ईयर रिक्वालिफिकेशन पर भी आपको 2 टाइम कैश अवार्ड देती है। जो पीरियड था, एक्चुअली ये सब करने में मैंने वाइफ को अपनी नहीं बताया, प्लान दिखाना शुरू कर दिया, एंड माई वाइफ डिड नॉट नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो शी वॉज सस्पिशियस कि इतना काम तो अपने प्रोफेशन में करते हैं, उसके बाद ये गायब कहाँ हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि कुछ बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया है। तो शी स्टार्टेड रेजिस्टिंग, और रेजिस्टेंस इतना हुआ कि वो स्टोरी इतनी लंबी है कि उसको अगर आज करेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था, यहां तक बात आई कि घर में या तो एमवे रहेगा या मैं रहूंगा, और मुझे दोनों का वैल्यू मालूम था। वाइफ की वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं है, वाइफ इज वैल्यूलेस, पर बिजनेस की भी वैल्यू मैं जान चुका था। और मैंने कहा दोनों रहेंगे, कोई किसी को मैं जाने नहीं दूंगा, तुम भी रहोगी और मेरा बिजनेस भी रहेगा। फिर हम प्लैटिनम हुए, शी वेंट ऑन प्लैटिनम फोरम, वहां पर जो उन्होंने हॉस्पिटैलिटी देखी, एमवे की जो ऑरा देखा, जिस ढंग से हम लोग का सम्मान हुआ, हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में भी जाया करते थे, सर्जन कॉन्फ्रेंस होती थी वहां पर, कोई आपको पूछने वाला होता नहीं था, आप सब खुद अरेंज कर रहे हो, खुद रह रहे हो सब कुछ, बट आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो। बट व्हेन शी वेंट टू अ प्लैटिनम फोरम शी सॉ द डिफरेंस, देन शी सेड कि एमवे तो कुछ कंपनी है, इट इज डिफरेंट। फिर अभी वो 15 विदेश यात्राएं कर चुकी हैं, शी इज वेरी हैप्पी व्हेन शी गोज टू अ फॉरेन कंट्री विद मी। बिजनेस में एक्टिवली जो प्लान दिखाने वाला काम है वो नहीं कर रही है, बट शी सपोर्ट्स मी बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स, बाय रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट्स, एंड हर बेस्ट सपोर्ट इज नाउ शी इज हैप्पी टू सी हर सर्जन हस्बैंड डूइंग दिस एमवे बिजनेस। बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी बहुत विरोध किया, और बट अल्टीमेटली नाउ एवरीवन इज हैप्पी कि आपने किया। जो हमारे फ्रेंड्स थे दे वर वेरी मच दिस थिंग कि तुमको आखिर ये क्या हो गया। अभी जब पैंडेमिक में उन्होंने मेरा जो
मेरी लाइफ में जो पीस देखी, फ्री ऑफ मॉनेटरी किसी तरह का जो चिंता होती वो नहीं थी, तो देन दे रियलाइज की दिस इज समथिंग विच आई हैव डन। सो कहने का मतलब यह है कि आपको ये देखना पड़ता है इस बिजनेस में कि आप किस लिए इसको कर रहे हो, और अगर आप उसके ऊपर स्टिक करते हो, यू आर नॉट अफेक्टेड बाई पीपल्स ओपिनियन, इवन इफ इट मे बी योर स्पाउस, और आप करते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि एवरीवन रियलाइजेस कि आप सही थे और वो गलत थे, और यही मेरे साथ हुआ है। आज सब कुछ ठीक है, आज मैं अभी भी प्रैक्टिस भी मैं करता हूँ, साथ में इस बिजनेस को भी करता हूँ, अभी हमारे बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है इतने दिनों में बिजनेस कि 3-4 साल आपको मेहनत करनी होती है, 3-4 साल मेहनत ऐसे करनी होती है जैसे कि अगल बगल आपको देखने वाले कहें कि पागल हो गए हो क्या। मैं तो लोगों से कहता हूं, मैं अपनी टीम में लोगों को कहता हूं कि अगर किसी ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि तुम पागल हो गए हो क्या, तब तक तुम बिजनेस नहीं कर रहे। जिस दिन कोई कह दे कि हैव यू गॉन मैड, यू शुड रियलाइज दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक, तो वो और 3-4 साल काम करने के बाद फिर काम बहुत थोड़ा थोड़ा होता जाता है। अभी अब मैंने गोल बनाया है कि मुझे डायमंड जाना है, तो एक बार फिर से उसी तरह से मेहनत करनी है, बट आई नो कि जिस ढंग से मैं कर चुका हूं उतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं होगी। तो जस्ट 3-4 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, पैशनेट वर्क कैन गिव यू सो मच इन दिस लाइफ। और मुझे मिला क्या है इस बिजनेस से, मैंने सीखा क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, व्हाट ऑल आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस बिजनेस। सबसे जो बड़ी चीज मैंने सीखी है, लोगों का सम्मान करना, उनके ओपिनियन का सम्मान करना, एक्नॉलेज करना। पहले मुझे लगता था कोई भी बात हो, सर्जरी का तो मैं एक्सपर्ट था ही, बट एनीथिंग एल्स आई यूज टू आर्ग्यू विद पीपल, और मुझे अच्छा लगता था जब मैं लोगों को चुप करा देता था, आई एंजॉयड इट। बट इस बिजनेस में आने के बाद मैंने कहा कि देखो, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज राइट और रॉन्ग, दे हैव गॉट डिफरेंट ओपिनियन, एंड एज अ नेटवर्क बिल्डर आई हैव टू एक्नॉलेज पीपल्स ओपिनियन। तो उनके ओपिनियन को, उनकी ईगो को, उनको आई लर्न टू गिव देम वैल्यू। उसके बाद मैंने मुस्कुराना सीखा, आई लर्न टू स्माइल। एज अ सर्जन आई हार्डली एवर स्माइल, अपने दोस्तों के बीच में रहते थे तो मुस्कुराते थे, बट अदरवाइज आपने देखा किसी डॉक्टर को मुस्कुराते हुए, स्पेशली सर्जन को अगर आप देखें और बहुत हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, तो आपको शक हो जाएगा कि सर्जरी अच्छी करेगा या नहीं करेगा। यू लव टू हैव अ फ्राउन ऑन योर सर्जन, एंड आई ऑल्सो माई फेस वॉज ऑल्सो कवर्ड विद अ फ्राउन, उसको प्रोफेशनल फ्राउन कहा जाता है, वो अभी रिप्लेस हो गया है बाई स्माइल, पर कभी कभी जब मैं अकेले रहता हूँ तो वापस आ जाता है। अभी एक बार मैं एयरपोर्ट में जब अंदर जा रहा था तो उसने सब हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वापस करते समय कहा कि आप सर इतने गुस्से में क्यों है। मैंने कहा भाई मैं गुस्से में नहीं हूँ, मेरा चेहरा ही ऐसा है, भगवान ने ऐसे बनाया है। तो देन आई रियलाइज कि अभी थोड़ा और काम करना है, स्माइल को और ज्यादा लाना है, वो फ्राउन कभी कभी वापस आ जाता है। आई लर्न टू टेक केयर ऑफ पीपल। टीम में लोग आए, बहुत सारी बातें वो करते थे जो अच्छी नहीं लगती थी, दैट यूज टू हर्ट मी, बट आई रियलाइज कि मुझे अपने हर्ट को पीछे करना है और उनकी केयर को, उनके अफेक्शन को आगे करना है। एंड आई बिकेम स्लोली अ बी क्वाड्रेंट पर्सन। जो बी क्वाड्रेंट पर्सन है, जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, वो इसी तरह से आती है, बिकॉज यू वॉन्ट टू कीप योर टीम बाउंड टूगेदर, और उसको बाउंड टूगेदर रखने में आपको अपनी बहुत सारी चीजों को पीछे रखना पड़ता है। वॉट यू लाइक, वॉट यू वॉन्ट, दैट टेक्स अ बैक सीट। आपकी टीम क्या चाहती है, आपको उनके लिए क्या करना है, ये इसका ख्याल ज्यादा करना पड़ता है। हेल्थ, हेल्थ की बात करें, हेल्थ बहुत अच्छी हुई है। अभी मेरी उम्र 10 से 15 साल कम लोग आंकते हैं। अगर मैं किसी से पूछता हूं कि मेरी एज क्या है, तो वो समझ जाते हैं कि ज्यादा होगी इसलिए पूछ रहे हैं, तो थोड़ा बढ़ा के भी बताते हैं, तो भी 10 साल कम बताते हैं जो एक्चुअल मेरी एज। एंड दैट इज बिकॉज आई एम यूजिंग न्यूट्रलाइट, दैट इज बिकॉज आई एम यूजिंग आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री भी मैं यूज करता हूँ, सिग्नेचर सेलेक्ट सेरम यूज करता हूँ। आई डोंट लीव इट फॉर माई वाइफ, कि उनके लिए है, वो मेरे लिए भी है। और पॉजिटिव थिंकिंग, पहले अगर मैं याद करूं, आज से जब मैं बिजनेस में नहीं था तो आई हार्डली एवर थॉट पॉजिटिव। हर चीज में क्या गड़बड़ी है, हर व्यक्ति में क्या कमी है, इस सिचुएशन में क्या वर्स होने वाला है, आई ऑलवेज यूज टू थिंक लाइक दैट। बट अभी तो नेगेटिविटी बिल्कुल गायब हो गई है,
जब नेगेटिव कुछ बात करने लगते हैं, जब नेगेटिव कुछ सोचने लगते हैं, तो अंदर से कोई होता है जो आपको रोकता है कि व्हाट इज दिस, यू आर थिंकिंग नेगेटिव, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस फॉर हिम और हर। और ये मुझे लगता है बहुत बहुत ही जबरदस्त चीज है। और एक बड़ा शानदार एनवायरनमेंट मिला है, क्रेडिट गोज टू माई अप्लाइंस जिन्होंने मुझे एनवायरनमेंट दिया है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम माई स्पॉन्सर, हमारे अपलाइन डायमंड हैं आलोक एंड भावना उपाध्याय, उनके भी अपलाइन हैं मिस्टर आर पी एंड मिसेस चंद्रा सिंह, देहरादून में रहते हैं मिस्टर एस के तिवारी, कल्पना तिवारी, मिस्टर बख्शी, एंड टॉप मोस्ट अपलाइन मिस्टर अनिल एंड मिस बिंदु नारायण। ये सब ने मिलकर राइट फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस दे हैव गिवन सच एन एनवायरमेंट, अगर मैं चाहता कभी भी बिजनेस छोड़ू तो नहीं छोड़ सकता था, बिकॉज सो मच ऑफ अटेंशन, सो मच ऑफ केयर, सो मच ऑफ अफेक्शन मेरे अपने रिलेटिव्स में, मेरे अपने फ्रेंड्स में देने वाला कोई नहीं था मुझे। और अगर आज मैं इस बिजनेस में बना हुआ हूं, इस लेवल तक हूं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट दे क्रिएटेड बाय गिविंग मी सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ अफेक्शन। और मेरे सारे अप्लाइंस ने, मेरी वाइफ का जो रेजिस्टेंस है, दे हैड बीन अ पार्ट ऑफ इट, उन सबको याद है अच्छी तरह, और उसके बावजूद उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, थैंक गॉड। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, व्हाट टू लीव। जो मैसेज है वो ये है कि ये बिजनेस जो है एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है, इसको वो लोग करेंगे जिनकी फाइनेंशियल कोर वैल्यू में बी क्वाड्रेंट की कोर वैल्यूज है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बी क्वाड्रेंट की माइंडसेट रखते हैं, बट दे आर ट्रैप्ड आइदर इन ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट। जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं, जिनका फिक्स माइंडसेट जॉब का है, जिनका फिक्स माइंडसेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, उनको ये बिजनेस समझ में नहीं आता। एक डॉक्टर थे, उनके पास मैं गया, वो बहुत बिजी रहते थे, एक छोटी क्लिनिक थी, हर समय पेशेंट देखते रहते थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा मैं निकालना चाहता हूं यहां से, आई वॉन्ट यू टू बी आउट ऑफ दिस, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा काम करें कि कुछ फ्री रहें। तो यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने क्या कहा मुझे। उन्होंने कहा, डॉक्टर मिश्रा अगर आप यहां से मुझे निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता इसके बिना। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट। वो बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट वाले थे। मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आप यू लिव लॉन्ग, मेरा तो बिजनेस हो जाएगा बगैर आपके भी। और तो दिस आर एग्जाम्पल कि जो सोच जिसकी बनी हुई है वहां पर हम बहुत एफर्ट नहीं करना चाहिए। हम ढूंढते उन लोग को हैं जो एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पर एक ऐसा एसेट उनके लिए बने जो उनके लिए पैसे कमाए, और वो जिंदगी में बहुत सारे और काम है जिसको कर सके। जैसे मैं हमेशा सोचता था, जो मेरा मेडिटेशन है, जो मैं लोगों को ट्रेनिंग करता हूँ, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे खुद मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं हुआ करता था। तो आई वॉन्टेड ऑल दीज थिंग्स टू डू, आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, विद माई सन्स। आज मेरे जो बेटे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा जो यूरोलॉजिस्ट है, वो केरला में रहता है, उससे अभी एक वन डे ही शेयर्ड विद मी, डैडी समबडी आस्क्ड मी कि तुम्हारे लाइफ में कौन ऐसा है जिसके साथ तुम यू कैन शेयर एवरीथिंग, एंड यू नो मैंने किसका नाम लिया। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मेरा नाम लेगा, बट ही टुक माई नेम। आई कैन टेल यू वॉट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट गेव मी, दैट माई सन, ग्रोन अप सन, कैन शेयर एवरीथिंग विद मी। एंड दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल हैड आई नॉट बीन एबल टू गिव टाइम टू माई सन्स, उनके साथ एज अ फ्रेंड मैं रहा हूं। सो हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं, और आप थोड़ी सी बात करेंगे तो पता लगेगा। मैं तो बाई चांस आ गया क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको लग रहा है मैं कहां फंसा हूं, मुझे निकाले कोई यहां से। जरूरत है कि हम उन तक पहुंचे, और अगर आप उनको पहुंच के वहां से निकालते हैं तो आपने अपना बिजनेस तो बनाया ही, बट यू कांट इमेजिन कि आपने उस व्यक्ति के साथ किया क्या किया जिसको आप बाहर लेकर आए, जिसको आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले गए, जिसको आप एक पीसफुल लाइफ की तरफ ले गए, जिसको आप एक पॉजिटिविटी से भरी हुई लाइफ की तरफ ले गए। सो डियर फ्रेंड्स, आई लीव एवरीथिंग टू सम अदर ओकेजन, जब हम और आपसे डिटेल में बात करेंगे। आई थिंक दिस इज एनफ टू टेल यू कि बिजनेस में मैं कैसे आया, कैसे मैंने बिल्ड किया, और अभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत हमारी अच्छी टीम है, उस टीम को गाइड करने में बड़ा अच्छा लगता है। एंड और अभी तो प्रोफेशन से भी मेरे पास बहुत सारा समय है, टाइम है, लॉट ऑफ। केवल मैं सवेरे अपनी क्लिनिक में काम करता हूँ, शाम को नहीं करता,
एंड आई लव दिस लाइफ बिकॉज आई एम एबल टू गाइड पीपल टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम और हेल्प इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. सो थैंक यू सर, मिस्टर मुनिकृष्णन, एंड बैक टू यू. थैंक यू डॉक्टर नवीन सर. थैंक यू डॉक्टर नवीन सर, आपने अपने सक्सेस जर्नी को आपने शेयर किया, बहुत सारा लोगों को इसमें से होप मिला है. एक माइंडसेट में जो फिक्स्ड माइंडसेट में रहा हुआ लोगों को एक सोच बदलने का मौका आपने आज दिया है. एंड आपने एक अच्छा सा एनवायरनमेंट, का पावर ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात किया, और शायद वो एनवायरनमेंट नहीं हो तो आप शायद बिजनेस में नहीं होते आज का टाइम. सभी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपको गट्स दिया तो एनवायरनमेंट में, तो ये जो एनवायरनमेंट ये अपॉर्चुनिटी से मिला है वो लोगों को जिंदगी बदल रहा है. ने आपने स्टार्टिंग से बात किया आपके पास टाइम नहीं था, पर आज आप बोल रहे हैं आपके पास समय है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, लाइफ टाइम एंजॉय करने के लिए. ये अपॉर्चुनिटी आपको ये चीज दिया है. तो जो प्लान आपने पहले बता दिया वो उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? आपने बताया बहुत सारे एक्सोटिक फॉरेन ट्रिप्स के बारे में बात किया, क्या आपने एंजॉय किया फैमिली के साथ में? ये अपॉर्चुनिटी वो भी आपने दिया है. फ्रेंड्स दिया आपको, हेलो अक्रॉस द ब्लॉक इतना सारा फ्रेंड्स दिया. तो ये जो अपॉर्चुनिटी, आपका सक्सेस जर्नी एंड आपका एक्सपीरियंस नोटरेट का, ये तीनों को मिला के आज अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर्स मीट जितना भी पार्टिसिपेट किया सबके लिए फेस्ट हो गया. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स. बहुत अच्छा लगा सर. बस हम लोग आशीर्वाद ले लें वही हम करेंगे, और खुद को आशीर्वाद देंगे तो आप वो विहंग आप स्लाइड शेयर करें, और सिल्वर एंड आप सबको माइक ओपन करें ताकि सब लोग ये आशीर्वाद खुद को दे पाए. थैंक यू. शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव. थैंक यू. शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगेन. थैंक यू.